So frizzy hair, rough hair, dandruff, unhealthy hair. Smooth and shiny hair, frizz free hair, no hair fall, healthy hair. शैम्पू को इस तरीके यूज करने से और इस मास्क को यूज करने से बालों पे पड़ता है बहुत ही ज्यादा असर। हेलो गाइस, दिस इज शिवानी वर्मा एंड यू वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ हेयर का रूटीन, कैसे आप लोग अपने हेयर को हेल्दी रख सकते हो। इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट आपके बालों के लिए और कैसे यूज करें शैम्पू को। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, ये है बी ब्लंट का शैम्पू। ये इंटेंस मॉइस्चर शैम्पू सैलून लाइक हेयर देता है आपको, डीपली नरिश करता है और शाइन ऐड करता है। इसमें है जोजोबा ऑयल और विटामिन ई। ये 300 ml का है और ये आपके बालों को बहुत ही अच्छा खूबसूरत बनाने वाला शैम्पू है। तो मैं बताती हूँ आप लोग कैसे यूज करो शैम्पू को। गाइस, आप अपने बालों को ऑयलिंग करते हो तो जिस दिन आपको शैम्पू करना है अपने बालों को तो उसके एक दिन पहले आप अपने बालों को अच्छे से ऑयलिंग कर लिया करो, नेक्स्ट डे शैम्पू करो। मैंने भी एक रात पहले ऑयलिंग कर लिया है बालों को और उसके नेक्स्ट डे मैं शैम्पू कर रही हूँ बालों को। तो बालों में शैम्पू कैसे यूज़ करना चाहिए ताकि आपके बालों में अच्छे से वो शैम्पू लगे और सही तरीके से इस्तेमाल। तो आपने देखा कि पानी में मैंने पहले शैम्पू को मिला दिया। डायरेक्ट अपने शैम्पू को सिर पे नहीं डालना चाहिए क्योंकि वहाँ केमिकल की मात्रा ज़्यादा होती है तो आपके उसी जगह पर ज़्यादा वो हार्म पहुँचाता है। तो इसलिए आपको पानी लेके जग वग में और उसमें शैम्पू मिला दे पहले, देन अपने बालों पे यूज़ करें जैसे मैंने करा है। और हेयर वॉश करने का सही तरीका सारे बालों को आगे कर ले ताकि बालों को आगे करने से और मसाज करने से आपके हेयर सर्कुलेशन होता है, मतलब सिर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो आपके जो हेयर होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, कम झड़ते हैं, आपके हेयर बिल्कुल हेल्दी रहते हैं। और हफ्ते में कम से कम 2 बार आपको शैम्पू करना चाहिए अपने हेड को। मैंने अपने हेड को शैम्पू कर लिया है और कॉटन के कपड़े से बांध लिया है। 1 घंटे बाद मैंने खोल दिया तो आप लोग मेरे बालों को देख सकते हो, बहुत ही स्मूथ लग रहा था और मतलब एकदम सिल्की टाइप का लग रहा था। मेरे बाल एकदम भूसे जैसे रहते थे और मुझे लगता था कि ये जैसे सैलून में मैं कैराटिन वगैरह कराऊंगी तभी सही होगा, लेकिन नहीं, इस प्रोडक्ट ने कमाल कर दिखाया। ये है बी ब्लंट का हेयर मास्क। गाइज, आप बी ब्लंट की ऑफिशियल ऐप पे जाके आप कोई भी 2 प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आपको 2 प्रोडक्ट सिर्फ 499 में आपको मिल जाएगा। मैंने भी शैम्पू और मास्क वहीं से लिया था तो मुझे 499 में मिल गया था जबकि ये टोटल 800 का हो रहा था। तो ये काफ़ी अच्छा मौका है तो आप लोग भी ज़रूर परचेज करना और इसे यूज़ ज़रूर करना। देन मैं मास्क अप्लाई कर रही हूँ अपने हेयर पे, अच्छे से हेयर के लेंथ तक और हेयर के जड़ों तक आपको अप्लाई करना है मास्क को। ये मास्क क्या करता है, आपके बालों को जो रूखे रहते हैं सूखे रहते हैं उसको नरिश करता है और रेशम टाइप का बना देता है, रेशमी धागे जैसे। देखे होंगे आप किसी का बाल सिल्की रहता है तो वैसे आपके बालों को बना देगा, तो मेरे बाल वैसे ही बन गए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मास्क है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना ना, और आपके बजट में भी है। मास्क को पूरे सिर पे लगा के मैं छोड़ दूंगी 2 घंटे के लिए, उसके बाद मैं हेयर वॉश कर लूँगी। इस बार मैंने 2 बार अपना हेयर वॉश कर लिया है और 2 बार नहा भी लिया है। 2 hours later फाइनली मैंने हेयर वॉश कर लिया मास्क लगाने के बाद और आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा सिल्की, हाथ लगाते ही ऐसे स्लिप हो जा रहा है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और प्लीज़ 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 अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही कर लीजिए बेल आइकन को हिट। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।